टाइफॉइड को करे दूर द्रोण पुष्पी, द्रोण पुष्पी के जादुई उपयोग सुनकर दिमाग चकरा जाएगा। द्रोण पुष्पी के फूल प्याले जैसे होते हैं, इसलिए इसे द्रोण पुष्पी कहा जाता है। इसका पौधा 7 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा और फैला हुआ होता है। इसके पत्तों में गंध होता है और स्वाद में यह कड़वा होता है। द्रोण पुष्पी के पत्ते, जड़ और बीज तीनों का ही इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। द्रोण पुष्पी के फूल छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं, जो इसकी गांठों पर सफ़ेद फूलों के गुच्छे में रूप में लगे होते हैं। इसके बीज भूरे रंग के होते हैं। द्रोण पुष्पी के पौधे पर फल और फूल अगस्त या दिसंबर के महीने में आते हैं। द्रोण पुष्पी या गोफा या गुमा औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। द्रोण पुष्पी का पौधा बारिश के मौसम में लगभग हर जगह पैदा होता है। गर्मी के मौसम में इसका पौधा सूख जाता है। इसकी ऊंचाई 1 से 3 फुट और टहनी रोम युक्त होती है। इसके पत्ते तुलसी के पत्ते के समान 1 से 2 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े होते हैं। इसके पत्तों को रगड़ने से तुलसी के पत्तों के समान गंध निकलती है। द्रोण पुष्पी पंजाब, बंगाल, आसाम, गुजरात, चेन्नई और ऊंचाई पर खतपतवार के रूप में पाया जाता है। यह भूटान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी पाया जाता है। द्रोण पुष्पी का इस्तेमाल सर दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर नहाने से सर्दियों में फायदा होता है। सर्दी जुकाम में द्रोण पुष्पी का सेवन लाभदायक होता है। आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी द्रोण पुष्पी का इस्तेमाल आयुर्वेद में बताया जाता है। द्रोण पुष्पी का इस्तेमाल करने से खांसी और सर्दी के जुकाम में भी लाभ मिलता है। द्रोण पुष्पी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से बदहजमी का इलाज किया जाता है और उसके खाने से भूख बढ़ती है। द्रोण पुष्पी के रस का दिन में 3 से 2 बार सेवन करने से खून की कमी और पीलिया में भी लाभ होता है। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया रोग में फायदा होता है। इसके इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। द्रोण पुष्पी के पत्तों के रस या पेस्ट का लेप लगाने से खाज, खुजली और त्वचा से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके इस्तेमाल से घाव, शरीर की जलन, दाद, खाद, खुजली आसानी से ठीक हो जाती है। द्रोण पुष्पी के बीजों का काढ़ा बनाकर पीने से अच्छी नींद आती है तथा अनिद्रा को दूर करने के लिए भी द्रोण पुष्पी का इस्तेमाल बताया जाता है। टाइफॉइड जैसे बुखार को दूर करने के लिए इसका काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है। बुखार में द्रोण पुष्पी के सेवन से कई लाभ होते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों को पीसकर शरीर पर मलने से बुखार के कारण होने वाले शरीर में जलन में आराम मिलता है। द्रोण पुष्पी का इस्तेमाल करने से मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को भी ठीक किया जाता है। मलेरिया जैसे बुखार में भी द्रोण पुष्पी का सेवन आरामदायक है। इसका सेवन करने से मलेरिया के लक्षण भी कम हो जाते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों को पीसकर बिच्छू के डंक पर काटने वाले स्थान पर लगाने से जहर कम फैलता है। साथ ही साथ यह गाउट की समस्या को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।